नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नारायणी भट्ट और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं के भारती जी। आपने शिक्षा शास्त्र और इतिहास और वुमेन एजुकेशन से नेट किया हुआ है। इसके साथ ही इस समय ये कानपुर के BMPG कॉलेज यानी बृहस्पति महिला PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज हमारे बीच ये आए हैं, SST वर्ग के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं इस समय ये आप अंबेडकर महासभा के पद पर हैं और क्या कार्य कर रहे हैं आप इसके द्वारा? अंबेडकर महासभा जो है ये डॉक्टर लालजी नेवल द्वारा संचालित है और इस समय योगी सरकार ने इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। अंबेडकर महासभा SC ST जो अत्याचार निवारक है केंद्र, उसके इन्होंने प्रतिनिधि बनाए हुए हैं। उसमें मैं कानपुर का सह प्रभारी हूँ। हमारा मकसद है कि जो SC ST पर अत्याचार हो रहा है उसको SC ST कमीशन तक पहुँचाना, उसके लिए हम लोग प्रतिनिधि लेते हैं। काफ़ी जो कानपुर के मुद्दे हैं मैं पहुँचाता रहता हूँ और अभी हाल ही में कई मुद्दे जो है जो उन्नाव में केस हुआ उसको भी मैंने पहुंचाया था। तो इस पे हम लोग प्रगतिशील है और इस पर काम लगातार कर रहे हैं। अब इस समय हम जानना चाहेंगे, आजकल के बच्चे हैं जो SST वर्ग हैं उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, उनमें शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, वो चाहते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा मिले हम अपने भविष्य का निर्माण कर सके, लेकिन पैसा नहीं होता है या ऐसी असुविधाएं हैं, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं हम आपसे ये जानना चाहेंगे। SC ST बच्चों की शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्सर क्या है कि ये गरीब तबके के बच्चे होते हैं जो महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हमने स्टार्टअप एजुकेशन शुरू किया है। हमारा एक ब्लॉग है स्टार्टअप एजुकेशन, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा एवं शोध संस्थान बनाया है हमने, जिस पर आप फ्री एजुकेशन ले सकते हो। इस ब्लॉग को आप खोलोगे तो इस पर कंपटीशन, शोध, कई सामग्री हमारी फ्री अवेलेबल है बच्चों के लिए। इसके अलावा जो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा संस्थान, वहाँ पर हमने SC ST बच्चों के लिए शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क कर रखा है। यहाँ तक कि कोई भी बच्चा जो जनरल में भी गरीब बच्चा है उसके भी हम हेल्प करते हैं, पर SC ST जो बच्चे हमारे निर्धन है, गरीब है या फिर किसी भी कैटेगरी गरीब बच्चे आते हैं उनका हमने निःशुल्क जो है शिक्षा दे रखा है वहाँ पर। शिक्षा का कोई बेस है कि मतलब आपको किस तरह की शिक्षा देनी है, जिससे उनको नौकरी पेशे वाली देनी है या फिर आप उनका बस सिर्फ एक एजुकेशन माइंड डेवलप कर रहे हैं? हम कोशिश तो ये करते हैं, पहले अगर बच्चा हमारा हाई स्कूल या इंटर का आएगा तो NIOS से हम फ्री उनका एडमिशन दिलाते हैं, उसका खर्चा हम लोग पूरा उठाते हैं। इसके अलावा डिग्री कॉलेज का बच्चा है तो उसका एडमिशन भी हम लोग भारत सरकार निःशुल्क जो है स्कॉलरशिप देती है, उस पर हम लोग प्रयास करते हैं कि इनको डिग्री कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाए निःशुल्क। इसके बाद जो बेटा बच्चा जो कंपटीशन लेवल का आता है उसका हम लोग व्यक्तिगत रूप से गाइडेंस देते हैं स्टार्टअप एजुकेशन के द्वारा और डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा संस्थान के द्वारा। हम निःशुल्क सामग्री, पुस्तक और जो भी उनकी तैयारी है कंपटीशन लेवल में PCS लेवल तक हमने तैयारी कराई बच्चों की, और SSC में कई बच्चे हमारे इस वर्ष निकले हैं यहाँ से, मतलब काफी सारे बच्चे काफी मतलब हाँ, आपके हाँ, माध्यम से बना बिल्कुल रहा बिल्कुल है। बच्चे निकलते रहे हैं लगातार और अभी हम इसको कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। इसके जो बच्चे हमारे सभा निकले हुए हैं सबका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। अगर ये बच्चे जो हमारा अगर वीडियो देखते हैं वो आपसे किस तरह संपर्क करें जो चाहते हैं शिक्षा का? बच्चे जो एजुकेशन चाहते हैं फ्री, वो startupeducation.blogspot.com से आप फ्री जो है ब्लॉग आप खोल के फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, या फिर डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा संस्थान जो है आप ब्लॉग को डाउनलोड तो मेरा ब्लॉग खुल जाता है, उस पर आप फ्री एजुकेशन और पूरी इसमें मार्गदर्शन आपको मिलेगा। उसमें मोबाइल नंबर के द्वारा मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बच्चे कर सकते हैं जी। ओके, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस समय शोध पत्र में अपनी कुछ विज्ञप्ति छापी है, मतलब तो उसमें आपने क्या दिखाया है बच्चों को, क्या दिखाया जिसे पढ़े उनका मार्गदर्शन हो? इस समय यह मेरा 13वां शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय पर सेमिनार कराया था, इसमें काफ़ी लोगों का सेमिनार, इसमें मेरा भी शोध पत्र छपा है एकात्म मानव दर्शन पर। इस पर मैंने बताया है कि दीनदयाल उपाध्याय ने संघ के जो नींव डाली थी दीनदयाल उपाध्याय की अपनी डाली हुई है, और इन्होंने कोशिश किया कि जो बच्चा गरीब तबके का है उसका मार्गदर्शन कैसे किया जाए, वहाँ तक शिक्षा और उसका जो लालन पोषण है उस पर कैसे प्रकाश डाला जाए, वो पूरा मैंने शोध इस पर प्रस्तुत किया हुआ है। और ये शोध पत्र का जो है दीनदयाल उपाध्याय कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित हुआ है, 13वां शोध मेरा। इससे पहले आपकी कौन कौन से शोध आ चुके? इसके डॉक्टर अम्बेडकर पर भी मैंने 15 शोध किए हुए हैं अलग अलग फील्ड पे, आर्थिक पे, सामाजिक पे, और उनका जो दर्शन है उस पर मैंने किया हुआ है,
और एक दो शोध मेरा जो है विवेकानंद के दर्शन पर हुआ है अभी तक। विवेकानंद जी के दर्शन पर। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो इसमें शोध अपना किया है, इसका मेन माध्यम यही है जो आप शिक्षा चला रहे हैं SST वर्ग के लिए फ्री शिक्षा, उनके भविष्य को बनाने के लिए, तो आपने अपने शोध में वो दर्शाने का प्रयास किया? मैंने कोशिश ये की है कि इसमें गरीब बच्चों को पता चले कि जनसंघ में स्थापना करते समय दीनदयाल उपाध्याय का एक मतलब पर्टिकुलर व्यू क्या था, किस व्यू से उन्होंने उसको शुरुआत किया और किस प्रकार इतना बड़ा RSS इन्होंने खड़ा कर दिया, उस पर मैंने पूरा शोध किया है कि किस तरह बहुत ही गरीब तबके से दीनदयाल उपाध्याय जी आते थे और उन्होंने बहुत ही बेसिक चीज़ों से बहुत ही साधारण इनका जीवन था और उनका व्यू मैंने दर्शाया है किस प्रकार इन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना कर दी। आपने SST बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का तो प्रावधान किया, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो वो सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे, तो क्या वो भी आपके द्वारा प्रदान की जा रही है? हाँ, इस पर जो है सुविधाओं पर बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार या फिर अपनी योगी सरकार से भी मैंने एक लेटर लिखा हुआ है कि जो हमारे बच्चे SC ST में आ रहे हैं जिनको सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं, वो प्रॉपर सरकार भी उसमें हमारे संस्थान का सहयोग करे और इस पर जो है अपना थोड़ा सा फंड मुझे अगर मिले तो मैं इस पर और भी विचार करना चाह रहा था। फंड के जरिए ही होता है कि सुविधाएं में मिलती है तो थोड़ा पैसा हमारे क्योंकि जितना हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है काफी फंड हमें वहां से मिल जाता है, व्यक्तिगत भी मैं अपना फंड इसमें लगाता रहता हूं, पर वो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं तबके SC ST में बहुत उनकी स्थिति खराब है और पूरा उन्हें एक सुचारू रूप से मदद मिलेगी तभी कोई काम हो पाएगा। बड़ी बात है क्योंकि जब सुविधा हम कितनी अवेलेबल करा सकते हैं सुविधाएं, फिर भी आपने इतना सोचा है उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, उनका भविष्य निर्माण तरह ही होगा क्योंकि बच्चे हमारे जीवन का आने वाला भविष्य होते हैं। आपने जो अपनी शिक्षा शुरू करी इनको आपने घर घर जाके लोगों को बताया है या फिर किस तरह लोग आपकी कोचिंग? हमारा जो स्टार्टअप education.blogspot.com है ये पूरा सोशल मीडिया द्वारा पब्लिश होता है और सोशल मीडिया हमारे कई ग्रुप्स हैं, कोचिंग्स ग्रुप हमारे हैं, जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनके पास भी हम जाते हैं और बताते हैं कि आप महंगी कोचिंग से अच्छा है आप इस ब्लॉग पे पढ़िए और फ्री एजुकेशन लीजिए। इसके अलावा जो बच्चे हमारी कोचिंग्स में आते हैं उनको हम फ्री गाइडेंस देते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चा जो भटकाव है कोचिंग्स का, महंगी महंगी कोचिंग्स में बड़ी बड़ी फीस देकर बच्चा जाता है उसको सफलता नहीं मिल रहा है, या फिर मैं कहूँ कि हमारे बच्चों के साथ पक्षपात भी होता है, उन्हें जो वो सुविधाएं कोचिंग में नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए दूसरी जाति के बच्चों को, उसी लिए हम पूरी तरह से सक्षम बनाते हैं बच्चों को कि आप हमारे पास आइए और निःशुल्क शिक्षा लीजिए, आप फालतू में भंवर में न फंसिए, या फिर जो बच्चे भंवर में फंस चुके हैं पैसा बर्बाद कर चुके हैं उनको भी हम बाकायदा जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे उनको हम काउंसलिंग कराते हैं और फिर से उनको प्रतियोगिता की परीक्षा कराकर उन्हें सफलता दिलाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे जो शिक्षा में मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जो बच्चे ज्यादातर कंपटीशन में जो सब्जेक्ट होते हैं वो हैं, तो कौन कौन सब्जेक्ट ज्यादा है? हमारे पास जो एजुकेशन चल रहा है वो हम लोग हिस्ट्री और सोशल साइंस और मैथ इंग्लिश इन पर बहुत फोकस करते हैं, इनमें क्योंकि GS पोर्शन जो है इस पर कवर हो जाता है। हमारे पास इंग्लिश की सबसे बेस्ट फैकल्टी है, रंजीता अलपुरिया हमारे यहाँ टीचर है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ सर्विस देती हैं और इंग्लिश की बेस्ट फैकल्टी हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए। ओके, मेरा मानना है अगर बच्चे इंग्लिश में अगर इंग्लिश और मैथ की बच्चों की पकड़ अच्छी होती है तो कंपटीशन का बहुत बड़ा पोर्शन वो है कवर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास GS बढ़ाने का सबसे अच्छा जरिया है हमारी मीडिया है, सोशल हमारे से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग है या इंग्लिश है क्योंकि ये फील्ड बहुत क्लासरूम के द्वारा ही हो पाता है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनका वीक रहता है, ये पार्ट को आपके इस जरिए से मजबूत कर सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे इंग्लिश में बड़ा वीक होते हैं हमारे यहाँ क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं होता है और वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो हिंदी मीडियम में जो बच्चे होते हैं वो हिंदी में नहीं सही लिख पाते हैं, तो हमें शुरू से उनकी इंग्लिश पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि वो अपना इंटरव्यू या फिर जो एग्जामिनेशन है उनको इंग्लिश का जो पोर्शन है बहुत अच्छा जाए, क्योंकि इंग्लिश से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और जो हिंदी मीडियम बजा उसकी इंग्लिश अच्छी भी है तो लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, उसको पता है कि हम गलत बोल सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपके द्वारा। और मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि आप कॉन्फिडेंसली इंग्लिश बोलिए, आप बोलिए गलत बोल रहे हैं आप बोलिए, बोलने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और धीमे धीमे आप सही बोलने लगोगे। हमारे बच्चे डरते बहुत इंग्लिश बोलने से, उनको लगता है कि गलत हो जाएगा तो लोग हंसेंगे, पर मैं समझाता हूँ कि आप बोलिए गलत बोलिए, शुरू में क्लासरूम में आप बोलिए गलत, खूब गलत बोलिए, धीमे धीमे आप सीख जाओगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपकी मदर टंग हिंदी है तो परेशानी होगी, सबको होती है।
ये तो जब हिंदी हमारे मातृभाषा हम उसमें गलत बोलते, बहुत सारे वर्ड अशुद्ध बोलते, फिर बच्चे जिनको एजुकेशन ही नहीं मिल रहा है तो उनका इंग्लिश कहीं ना कहीं वीक होता है और वो आपके द्वारा मजबूत किया जाता है। मतलब काफी कुछ आप एक SC ST वर्ग जो बच्चा अशिक्षित है, शिक्षा चाहता है, अपने भविष्य को उज्ज्वल करना है, उसकी बहुत मदद कर रहे हैं। थैंक यू, हम आपसे जान के हमें बहुत खुशी हुई कि आप एक वर्ग के बच्चों के लिए विशेष काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप सर से जुड़े हैं और उनके माध्यम से अपने भविष्य को बनाया। और हमारी योगी सरकार से भी यही गुजारिश है कि वो सर के कार्य में अपना योगदान करें। जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे देखने वाले बच्चे हैं वो startupeducation.blogspot.com पर जाकर ब्लॉग खोले और निःशुल्क शिक्षा का आप अपनी आगे कदम रखिए और जितना जल्दी सफलता हो सके आप सफलता लीजिए। फिलहाल आज कबीर न्यूज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार और ज्यादा जानकारी के जुड़िए हमारे कबीर न्यूज चैनल से।